से सुस्ती फैलाया हुआ है और बेड पे लेटा हुआ हूँ और मेरी अर्थ है वो अर्थ है मे नाटिस घुसे हुए हैं मार्कर लेके बीच में और सपोर्टिंग देख रहे हैं कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पानी कम ज्यादा हो रहा है उसको निकाल रहे हैं। कहाँ चोटू लगी है? चोटू पे क्रीम लगा हूँ। क्रीम लगा रहे हो? चोटू ठीक हो है। अच्छा, चोटू ठीक हो जाएगी इससे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और आज है संडे, सो हमने सुबह से सुस्ती फैलाया हुआ है और बेड पे लेटा हुआ हूँ और मेरी बेटी जो है रिमोट लेके टीवी में क्या कर रहे हैं वंशु? आप कौन सा गाना सुन रहे हो आप? हैं पापा की परी तो मैं हूँ ही, इसको बस यही सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है और रिमोट में लेके सर्च मारती रहती है बोल के पापा की परी तो मैं हूँ ही। और आज तो सुबह से सुस्ती फैली हुई है, अभी हम सो के उठे हैं, खाना भी खा चुके हैं और मार रहे खा भी चुके हैं, बट ये फिर से सो गए हैं तो फिर दोबारा उठ गए हैं। और मेरी वाइफ जो है वो सुबह से लगी हुई है कुछ आई ब्रह्मांड जैसा कोई चीज़ बना रही है, गोला आप देख सकते हो। ये गोला क्या है? ये पृथ्वी का गोला है और देख सकते हैं कि ब्रह्मांड का चित्र क्या बन रहा है। ये वैसे तो पंजाब में कहते हैं पांच दरियाए हैं, बट यहाँ पे तो मेरे को अभी 1, 2, 3 लग रहा है और एक तो लगता है टूटी के अंदर होगा और आई थिंक एक निकल चुका है, वो कप में जा रहा है, सो टोटल 5 हो गए। और इतने इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ना पड़ता है जो उसके लिए ब्लाइंड करते हैं ना, तो इसमें क्लैरिटी आती है। और ये करण जो है रबड़ लेके उसको मिटा रहा है, जो दरिया के पानी थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है उसको फिर से उसे क्लीन करना पड़ता है, मिटा नहीं रहा वो जो कलर हम जब हाँ रगड़ते हैं ना, वो पानी आई थिंक रबड़ में ना अब्जॉर्ब कर रहा है कलर, वो पानी जो बाहर निकल रहा है ना उससे अब्जॉर्ब करके उसको क्लैरिटी देने की कोशिश किया जा रहा है। और आप देख सकते हो कि ये चश्मे वाली बहन जी कैसे कर रही हैं, इधर जरा देखिए और अपना इधर दिखाइए फेस। और ये सुबह से मुंह तो धो लिया इन्होंने, इधर दिखाना जरा, हाँ गुड। और ये देख सकते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। ओहो, वंशिका का टॉय बीच में आ गया, इसको साइड कर देते हैं। और कितनी और ये टूटी का भी कलर हो रहा है, पानी थोड़ा गंदा हो चुका है गाइस, अभी इसमें फिल्टर डालेंगे थोड़ी देर में सो वाइट हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेना। ये टूटी है, ये टूटी है, वो कलरफुल टूटी है, ये पहाड़ियों वाली टूटी है ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मुझे लगा ये टूटा है। सो गाइस, अभी हम जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे कि ये कैसा लगता है, ओके। और ये देखो वैसे तो इन्होंने बहुत इतना सा कलर दे रहा है ना, इसको मैं कैसे करूंगी, मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा कंजूस का। वैसे तो बहुत ही अमेजिंग, अमेजिंग नहीं अमेजिंग, ओके अमेजिंग। सो प्लीज अब देखते रहे, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ओके। हेलो गाइस, फिर से हाजिर हो गया हूँ मैं, और आपको मैंने बोला था वो गोला सा जो अभी बन के तैयार हो गया है, और अभी जो रियल में बना है वो आप देखो क्या बना है, लेट्स सी। और यहाँ पे इतना प्यारा मैसेज दिया गया है, ये गोले के नहीं सॉरी ये अर्थ है, वो अर्थ क्विक, अर्थ क्विक अर्थ है। सो अर्थ है, ये क्विक नहीं है, आप देख सकते हो ये अर्थ क्विक आने वाला है। सो गाइस, ये मैंने बनाया है चाट, खाने वाली चाट नहीं है, प्रोजेक्ट। और इससे इतना अच्छा मैसेज दिया गया है, सेव वाटर एंड सेव अर्थ, सेव अर्थ। सो आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोजेक्ट कमेंट करके बताना। और बनाने वाले का फेस देखा जाए, ये मेन आर्टिस्ट है और ये सपोर्टिंग आर्टिस्ट, दोनों में बहुत फर्क है। मेन आर्टिस्ट घुसे हुए हैं मार्कर लेके बीच में
और सपोर्टिंग देख रहे हैं कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पानी कम ज़्यादा हो रहा है उसको निकाल रहे हैं नलके से। फिर भी सेव तो करना ही गाइस, एक एक बूंद पानी के लिए हम तड़पते हैं। अब अभी रेगिस्तान में चले जाओ, वहाँ पे आपको रेगिस्तान पानी का कीमत पता लगेगा आपको। आप जाके बंजर जमीन हो चुकी, इसलिए गाइस पानी खत्म हो जाएगा ना, पानी गिरता रहेगा इसमें। देखो अब मैं एक्सप्लेन कर रही है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये हमारी अर्थ है और ये मतलब टैप है, मतलब धरती में जो पानी है ना वो ये टैप के जरिए जैसे गिर रहा है, और ये बाल्टी है इसमें से पानी गिर रहा है, मतलब सेव नहीं कर रहे। तो अगर हम ऐसे पानी खत्म होता रहेगा, जैसे यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ तक पूरा पानी है ना, और इसमें हाफ दिखाया है कि पानी वेस्ट होता जा रहा है, और जहाँ तक पानी आ गया वहाँ तक ऊपर पूरी मतलब हमारी अर्थ जो है सूख चुकी है। ओके। और अगर हम अभी भी वेस्ट करते जाएंगे तो इसका लेवल और नीचे जाता रहेगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हम सब लेवल के नीचे चले जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा, सूखा लकड़ियां भी नहीं बचेंगी, कि ये पेड़ की सूखी लकड़ियां भी नहीं बचेंगी। ओके गाइस, सो पानी को सेव करो। और इसीलिए सरकार ने भी समरसिबल बैन कर दिया है कि अगर हमें एक जग पानी की भी ज़रूरत होती है तो हम जाके समरसिबल के बटन के दबाते हैं, और एक जग पानी लेने के लिए पूरा बाल्टी जग खराब कर देते हैं पानी का। है सच्ची? हाँ ऐसा ही होता है, अगर हम डायरेक्ट समरसिबल का पानी लेने जाते तो वो तो पता कितना स्पीड से आता है। सो गाइस सेव वाटर एंड सेव अर्थ, थैंक यू। हे एवरीवन, सो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, इसके बाद हम आज करने वाले हैं स्पाइसी नूडल्स ईटिंग चैलेंज, स्पाइसी मैगी। तो उसी के लिए मैंने कुछ हरी मिर्च वगैरह नहीं थी तो बाहर से मंगवाई है, होप्स हो कि मिल जाए क्योंकि आज लॉकडाउन है, संडे है। तो देखते हैं जैसी आएंगी हम बनाएंगे और उसका चैलेंज करेंगे, और तब तक मैं फटाफट से नहा धोवा लूँ थोड़ा। फटाफट चैलेंज के लिए मैं यहाँ पर मैगी बनाने जा रही हूँ। सो गाइस मैं और विशु खा रहे हैं समोसे, हमारी मैगी रेडी हो गई है लेकिन वो चैलेंज के टाइम खाएंगे, इसलिए हम अभी समोसे खा रहे हैं। क्या खा रहे हो अंजू? सबको बता दो क्या खा रहे हो। हे एवरीवन, सो हमारा चैलेंज ख़त्म हो गया था। चैलेंज क्या किया अभी तक, रात होने को आ गई है, अभी तक सारे गले में पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है मिर्ची की वजह से। चलो कोई बात नहीं, चैलेंज हो गया। हाँ, और चेंज वगैरह कर लिया था मैंने, क्या हो गया उंगली दब गई। और करण देखो क्या कर रहा है, पौधों में पानी डाल रहा है, इसके पीछे भी इसका बहुत बड़ा स्वार्थ है। बता जल्दी क्या स्वार्थ है। स्कूल में मिलाएंगे, क्योंकि इसको स्कूल में फोटोज भेजनी है, इसीलिए ये सब काम हो रहे हैं। नहीं तो ये खुद को पानी नहीं डालता कभी। मैं सुबह सुबह 50 गमले में पानी डालता हूँ, नीचे जाता है। दिखाना। सच्ची? आपको नहीं पता? ना मैं नीचे नहीं जाती ना, बस अब भरी जाने हैं क्या गमले, थोड़े बस रहने दे अब। ये कल तक खिल जाएगा, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। मुझे ना पता नहीं क्यों ये फूल खिलना या नींबू वगैरह निकलना बड़ा शौक होता है। और ये पेड़ है जो मैंने पिछले साल लॉकडाउन में मंगवाया था, ये छोटे छोटे ऑरेंज वाला पेड़ है, पर इस पर मतलब कोई ऑरेंज मतलब बड़ा नहीं हुआ, उगते तो बहुत सारे हैं, निकलते बहुत हैं, पर बड़ा नहीं हुआ। और लकीली एक मुझे आज सुबह जब दिखा यहीं पे था करण, हाँ ये रहा दिखा, ये जब मैंने बड़ा वाला ऑरेंज देखा ना तो मुझे जो खुशी मिली मैं बता नहीं सकती। छोटे छोटे तो बहुत है, बहुत है ना, लेकिन वो झड़ जाते हैं, बड़े हो ही नहीं पाते। इसमें तो काफी है, ये तो बड़े वाले नींबू हैं, ये न्यू है हमारा। या yeah.
लिटरली ये लड़का इतनी फोटो खिंचवा रहा है, कभी ये गमले के साथ कभी वो गमले के साथ, तो इसने मुझे पूरा बोर कर दिया। मतलब इसको सिर्फ दो फोटोज भेजनी है, दो प्लांट्स के साथ, और ये लगा हुआ है इसके साथ, उसके साथ, इसके साथ। मेरा नींबू निकला है, ये है, वो है, मतलब ये सिर्फ बहाने लगा रहा है फोटो खिंचाने के, है ना। सो गाइस अब जा रही हूँ मैं, थोड़ा बहुत काम कर लूँ। हाथी राजा कैसे करते हैं, कैसे पोएम भी बोलो ना। हाथी राजा कहाँ चले, हाँ आगे क्या हो रहा है, अब हाथी थक गया। ये हाथी तो बड़ी जल्दी थक जाते। आओ बैठो, आओ बैठो कुर्सी पर। कुर्सी बोली चटर मटर। कहाँ जा रहे हो वंशु हाथी पे बैठ के, किधर किधर चलोगे बताओ। नानी हाथ जाएगी वंशु तो, नानी हाथ। अच्छा हाथी से ही चली जाओगी, देख घोड़े से खून कर दिया तुम्हारा, किसने खून भैया ने खून कर दिया, झूठ बोलते हो, किसने खून किया, कैची है, पता लग गया इसको, वीडियो बने दिया। दीदी है मेरी, दीदी है। अच्छा और भैया, अच्छा ये भैया है, भाई, अच्छा ये भाई है, देखो सबको इंट्रोडक्शन दे दिया। मम्मा, अच्छा ये मम्मा है, अटू है या, अच्छा यहाँ चू है, दीदी इतना तो हम नहीं बताते, यही हमारा ही है। अच्छा आपकी दीदी है, दीदी। क्या हुआ है, कहाँ चोटू लगी है, कैसे लग गई, कैसे लगी, अच्छा वो तो लग गया पता, मैं कैसे लगी इतनी चोटू, गिर गए आप, अब क्या कर रहे हो आप चोटू पे, क्रीम लगा रहे हो, इससे क्या होगा, क्या है, तीखा है, अच्छा चोटू ठीक हो जाएगी इससे, अच्छा ओके, वहाँ क्या हुआ, यहाँ कहाँ लग गई चोटू, ऊपर लगी थी ना सिर्फ, नीज में लगी थी ना, तो कहाँ कहाँ क्रीम लगा रहे हो, सीधे हो, पहले सीधे हो जाओ, सीधे हो बेटा, ठीक हो गई चोटू, नहीं अभी 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 ठीक है, अच्छा ठीक है, सो गाइस गुड मॉर्निंग। कल का व्लॉग मैं रात को एंड नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम प्रॉब्लम, सो मैंने सोचा अभी कर देती हूँ। कल के चैलेंज के बाद ये चीज़ भी इतनी ज़्यादा जलन हो रही है, पेट में इतनी ज़्यादा जलन हो रही है, मैं सोचा तरबूज खा के देखती हूँ कुछ रिलैक्स मिले। सो या गाइस भी मैं करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पर एंड, होप सो आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो,
अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।